फ्लोरा एंड फौना लव, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूली के पत्तों के बारे में। ये मूली लगाए हुए, इसके सीड्स लगाए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स हो गए हैं। मूली तो अभी तक नहीं बनी है, हम सब देख सकते हैं इसके पत्ते बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, बहुत ही ग्रीन और बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे हैं इसके पत्ते। तो आज हम इसके पत्तों के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मूली के पत्ते एडेबल होते हैं, यानी कि इन्हें खाया जा सकता है, इन्हें तरह तरह से खा सकते हैं। आप सैलड्स में यूज कर सकते हैं, सूप्स में, सब्जी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं और रायता भी बना सकते हैं। और भी आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव रेसिपी हो उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जब इन्हें चूज करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी पत्ते हेल्दी दिख रहे हैं वही हमें चूज करना है, जो पत्ते खराब है उन्हें नहीं लेना है। जैसे कि ये वाला पत्ता अच्छा है तो हम इसे ले सकते हैं, जबकि जैसे इस पत्ते में हमारे कुछ कुछ छेद हो रहे हैं तो हमें इसे नहीं लेना है। तो हमें इसको सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि सिर्फ हेल्दी लीव्स को ही हम तोड़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाले प्लांट में हमारे ऑलमोस्ट सारे लीव्स हेल्दी हैं, तो हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो भी आप लोग देख सकते हैं कि हमने काफी सारे मूली के पत्ते हार्वेस्ट कर लिए हैं और इन्हें एक बास्केट में कलेक्ट कर लिया है। ये जो रेडिश लीव्स होती हैं, ये बहुत ही रिच सोर्स होती हैं आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और फास्फोरस का। ये खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, ब्लड प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है, जॉइंटिस और पाइल्स के क्योर में भी बहुत काम आता है, हमारे फूड में डाइट्री फाइबर्स को इंक्लूड करता है जिससे कि हमारे डाइजेशन में हेल्प हो सके, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल है और हमारी बॉडी के लिए एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो चलिए अब इसे खाने की तैयारी करने, आज के वीडियो में हम मूली का रायता बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें अच्छे से वॉश करके चॉप कर लेंगे। तो अब हम हमारे किचन में आ चुके हैं और हमने इन रेडिश लीव्स को अच्छे से वॉश किया और फिर बारीक बारीक काट लिया। यहाँ पर हमने एक बोल में दही लिया है, आप दही भी ले सकते हैं या फिर छाछ भी ले सकते हैं। इसमें हम तीन चीजें डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, जीरा पाउडर एंड रेड चिली पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने मूली के पत्ते कट कर रखे थे उन्हें ऐड करेंगे। रायता रेडी है, अभी खाने के लिए बहुत ही हेल्दी है और साथ में टेस्टी भी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप भी अपने घर पे जरूर जरूर ट्राई करें। जब तक हमारी मूली बनना स्टार्ट नहीं होती है, रेडिश फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है कि हम मूली को निकाल सकें, तब तक हम इसकी लीव्स का भी बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर